अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मुहर्रम की चाँद आज हो चुका है, यानी मुहर्रम की महीना आगाज़ हो चुका है। तो चलिए मैं आपको मुहर्रम की चाँद देखने के बाद, मुहर्रम की महीना आगाज़ होने के बाद दरगाह शरीफ की अंदर की क्या मंजर है दिखाएंगे, और ताजिया शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे, और ताजिया शरीफ की वहाँ पर जो चांद देखने के बाद सलाम पेश होता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी मैं आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन करेंगे, दिखाएंगे। और मुहर्रम के महीने में आप किसी तरह नया साल की मुबारकबाद किसी को पेश ना कीजिएगा, एक गांव की महीना है। तो चलिए फिर कैमरा घुमाते हैं, आपको सीधे ले चलते हैं पायथी में, पायथी से भी आपको ले जाएंगे, ताजिया शरीफ ज़ियारत करवाएंगे, फिर आपको दरगाह शरीफ पूरा दिखाएंगे। लेकिन आज वीडियो कट कट के दिखाएंगे, जोर जोर के दिखाएंगे, ताकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाए। जी बना रही है, आप लोग वीडियो पूरा देखिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशिका ने फजा गरीब नमाज। तो आइए, आज मुहर्रम की चांद हो चुका है, अभी अभी ऐलान हुआ है। तो आइए अभी ये दरगाह शरीफ का मंजर देखिए, ये पायथी का मंजर। माशाल्लाह मगरिब के बाद आज चांद हो चुका है, और चांद होने के बाद ये मंजर है, आप लोग देख सकते हो पायथी का मंजर। और अभी आपको सीधे ले चलेंगे ताजिया शरीफ की शाम मिजा मुखबरी में, ताजिया शरीफ है वहाँ पर लेके चलेंगे, देखेंगे वहाँ पर क्या मंजर है। इंशाल्लाह बना रही है, वीडियो पूरा देखिए। चलिए सीधे वहीं ले चलते हैं, फिर बाकी आपको बाकी माहौल बाद में दिखा देंगे। अभी पहले आपको सीधे ले चलते हैं जहाँ पर ताजिया शरीफ है, आपको वहीं ले चलते हैं। आज मुहर्रम की महीना आगाज़ हो चुका है, तो आपको पहले ताजिया शरीफ ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, किस तरह लोग ताजिया शरीफ ज़ियारत करके आ रहा है। और अभी आपको हम लेके चल रहे हो दरगाह शरीफ, मतलब ताजिया शरीफ ज़ियारत के लिए। तो माशाल्लाह इधर भी रास्ता में इतना क्राउड है। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अभी आपको इंशाल्लाह ताजिया शरीफ के सामने लेके चलते हैं, दिखाएंगे आपको आज यहाँ पर भी कैसे मंजर है, जब चांद देखने के बाद कैसे मंजर बन चुका है। इधर यहाँ पर तरह तरह लंगर चलते रहते हैं, सामने ताजिया शरीफ है, और ये ताजिया शरीफ के सामने यहाँ पर तरह तरह के लंगर चलते रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाता है, क्राउड हो जाता है, देखिए तमाम लोग लंगर लेने के लिए लाइन से खड़ा है। और माशाल्लाह ये देखिए अभी ये ताजिया शरीफ के सामने का मंजर, माशाल्लाह। आइए आपको ताजिया शरीफ पहले ज़ियारत करवाते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए ताजिया शरीफ ज़ियारत कीजिए, अभी अभी चांद की ऐलान हुआ है, यानी मुहर्रम की महीना आगाज हो चुका, तो आप लोग ताजिया शरीफ ज़ियारत कीजिए। हाँ जी, कहाँ से आप लोग? सुबह का डेली, मेरे पास डेली नोटिफिकेशन भी आती है। कहाँ से आप लोग? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? तो माशाल्लाह ये देखिए भाई मेरा सब्सक्राइबर है, और दिल्ली से आए हुए हैं, और चार दिन से मेरे इंतजार कर रहा है, चार दिन से ढूंढ रहे हैं। चिंता मत करो, माशाल्लाह आपको जैसे चांद परेशान करते हैं आप उनका चैनल को, मैंने कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भाई से मिलती है अजमेर की, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपकी? मेरा मोहम्मद शाहिद जी। माशाल्लाह ऐसे प्यारा सपोर्ट बना रखना। तो देखिए वैसे वैसे अभी आज मुहर्रम की चांद हो चुका है, और चांद की होने के बाद मुहर्रम की महीना आगाज हो गया। और जैसे मैंने आपको ताजिया शरीफ ज़ियारत के लिए आए हैं मकबरी में, ऐसे मेरा भाई सब्सक्राइबर दिल्ली से आए, इनसे मुलाकात हो गया, भाई हमें बहुत सपोर्ट देते हैं, प्यार करते, पूरा फैमिली के साथ आए हैं, ये मेरा सब्सक्राइबर है। तो माशाल्लाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, ऐसे प्यार बना रखना, ठीक है। तो ये देखिए आप ये ताजिया शरीफ ज़ियारत कीजिए, और यहाँ के पूरी मंजर देखिए, और यहाँ पर चांद देखने के बाद सलाम होता है। तो आज पता करेंगे जो आज सलाम पेश होगा कि नहीं है, फिर अगर होगा तो भी मैं आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, और बाकी का मंजर आपको दिखाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मैं ताजिया शरीफ ज़ियारत के बाद मैं आपको सीधे लेके आया हूँ आताए नूर में, और ये आताए नूर का मंजर आप लोग देख लीजिए, माशाल्लाह आज कितना क्राउड है। और मुहर्रम की महीना तो आगाज़ हो चुका, मैंने आपको बताया हूँ मगरिब बाद चांद दिख गया, और चांद के बाद मुहर्रम का महीना से आगाज़ हो चुका। आइए आताए नूर से थोड़ा सा आस्था शरीफ ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह, मुहर्रम की महीना आप आस्था शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, आज मुहर्रम की महीना अभी शुरू हुआ है, तो आज से मतलब आगाज़ हो चुका है, कल 1 तारीख हो जाएंगे। और अभी ये आताए नूर का मंजर देखिए, और अभी हमने किसी खुद्दम हजरत से मैंने इन्फॉर्मेशन किया हूँ, लेकिन ताजिया शरीफ में जो सलाम पेश होता है वो कल से होगा, चांद देखने के बाद सलाम पेश होता, लेकिन आज चांद देखा है और अभी सलाम पेश नहीं हो रहा, सलाम नहीं हो रहा, सलाम कल से शुरू होगा। तो इंशाल्लाह कल भी आपको मंजर दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। आइए अभी आप आताए नूर ज़ियारत कीजिए। अंदर जाने का चादर करेंगे ना,
आतानूर से आस्था से आपको दिखा रहा हूँ। और अभी आतानूर की लाइन है, कतार है, आप लोग देख सकते हैं पूरे मंजर, आप लोग देख लीजिए आतानूर की। और अभी का जो वीडियो है मैंने आपको कट कट के दिखा रहा हूँ, जगह जगह पे जाके मैं दिखा रहा हूँ, पूरा कंटिन्यू नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे। मैं सुबह रोज़ कंटिन्यू दिखाता हूँ बिना कट कूट के। अभी शाम का वीडियो मैं थोड़ा सा कट कूट के शॉर्ट वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पूरा आतानूर के मंजर आप देख लीजिए। अभी यहाँ पर यहाँ से हम सीधे ले चलेंगे आपको शाहजहानी मस्जिद में। चलिए शाहजहानी मस्जिद के अंदर चलते हैं और वहाँ के क्या मंजर है आपको दिखाते हैं। बना रही है आप लोग, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए शाहजहानी मस्जिद के अंदर की मंजर, माशाल्लाह। मैं आपको पहले पायती का नज़ारा दिखाया हूँ, फिर आपको ताजिया शरीफ ज़ियारत करवा के लाया हूँ, ताजिया शरीफ की वहाँ पर भी क्या मंजर है भी दिखाया हूँ, और उसके बाद आपको आतानूर से दिखाते हुए ज़ियारत करवाते हुए आपको शाहजहानी में लेके आया हूँ। तो शाहजहानी मस्जिद के अंदर की मंजर आप लोग देख लीजिए। आज मुहर्रम की महीना आगाज़ हो चुका है, पहला तारीख लग गया है, तो हम मुहर्रम की जो नया साल है इस्लामिक, नया साल की मैं मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये गाम का महीना है, इसलिए गाम से शुरू होता है। इसलिए किसी तरह हम मुहर्रम की नया साल की मैंने आपको मुबारकबाद नहीं देंगे। ये देखिए शाहजहानी मस्जिद के अंदर की मंजर, और यहाँ से गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए बाबा की। और माशाल्लाह देखिए क्या नज़ारा है ये दरगाह शरीफ के अंदर, शाहजहानी मस्जिद के अंदर। आइए अभी हमें शाहजहानी मस्जिद से खड़ा होके आपको आस्था शरीफ के चार नंबर गेट दिखाएंगे, बाबा फरसा को चल्ला शरीफ भी दिखाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए आस्था शरीफ के चार नंबर गेट ज़ियारत कीजिए, और इधर है जन्नती दरवाज़ा देख लीजिए, इधर के भी मंजर कैसे। आइए अभी आपको बाबा फरसा को चल्ला शरीफ दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ जो मुहर्रम के चार तारीख को खुलेंगे और आप सीधा जाके ज़ियारत कर पाएंगे जी, माशाल्लाह। तो ये देखिए यहाँ की मंजर कैसे है। आज चांद का पहला तारीख है, चांद हो चुका है, मुहर्रम का महीना आगाज हो चुका है, माशाल्लाह। देखिए यहाँ के आसपास के भी मंजर। आइए अभी आप अम्माजान का दरबार शरीफ भी ज़ियारत कीजिए, यानी हजूर गरीबराज की बीबी साहिबा की दरगाह। मैं शाहजहानी मस्जिद से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सुभान अल्लाह। ये है आपका अम्माजान का दरबार शरीफ, यानी हुजूर गरीब नवाज की बीबी साहिबा की दरगाह, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। चलिए फिर आपको यहाँ से लेके चलेंगे वजू खाने के सामने, लेकिन वीडियो काट के ले जाएंगे, वहाँ जाके जुड़ेंगे। आज मैं आपको थोड़ा वीडियो काट के ले जाएंगे, यानी वीडियो थोड़ा छोटा करने का कोशिश कर रही है। सुभान अल्लाह। ये देखिए वजू खाने की मंजर, यहाँ पर आप वजू बनाते हैं, सबसे बड़ा वजू खाना है। देखिए किस तरह आप जरन वजू बना रहे हैं, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली है, देख लीजिए। और ये सामने का ये मंजर देख लीजिए आप लोग जी, देखिए यहाँ पर आज कितना क्राउड है माशाल्लाह। देखिए किस तरह यहाँ पर जरन बैठे हुए हैं, और कोई भी है आपको फूल चादर लेके जा रहा है पेश के लिए, देखिए माशाल्लाह। देखिए एक बड़ी चादर जा रहा है, अभी अस्तर से भी पेश करेंगे। आज मुहर्रम की पहला तारीख है, चांद हो चुका है। देखिए वजू खाने के सामने का मंजर आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये देख लीजिए पूरा मंजर आप लोग देख लीजिए। देखिए माशाल्लाह वजू खाने के मंजर, और ये जो कतार लाइन देख रहे हैं आप, ये लंगर खाना में यहाँ पर लंगर चल रहा है, तो लंगर लेने के लिए लोग लाइन पे लगा है, कतार पे है, देख सकते हो। तो पूरा मुहर्रम की महीना इस तरह लंगर चलते रहता है, और इस तरह लाइन लगा के जारी लंगर लेते रहते हैं, क्योंकि ये बाबा की दरबार शरीफ में तबारुक के हिसाब से लोग लंगर लेते हैं, खाते हैं, भले पेट ना भरे थोड़ा सा खाए, लेकिन लोग की ख्वाहिश है जो हम अजमेर शरीफ में थोड़ा लंगर लेंगे खाएंगे। ये देखिए ये तीन नंबर गढ़ है, लंगर खाना गेट है, तो देखिए ये गेट का सीधा अंदर जाके वो लंगर हो रहा, मैं अंदर लेके नहीं जाएंगे आपको, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएंगे। देखिए आप यहाँ से ये लंबा कतार शुरू है, ये सबकी ख्वाहिश है जो बाबा की दरबार शरीफ में जो भी लंगर मिले हमें थोड़े चखने के लिए, थोड़ा खाने के लिए मिल जाए, इस हिसाब से लोग लेते हैं, लाइन लगाते हैं, मगर पेट भरने का मकसद से नहीं है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर VIP भी है, गरीब भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चा भी है, महिला भी है, सब ही है, देखिए। चलिए फिर आपको आगे ले चलते हैं, ये बड़ी डेग है, इधर छोटी डेग है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को काटता हूँ, फिर आगे जाके सुभान अल्लाह। तो ये देखिए मेन गेट से दरगाह बाजार, मैं अभी आपको मेन गेट पे लेके आया हूँ, मेन गेट पे मैं खड़ा हूँ, और मेन गेट से खड़ा होकर दरगाह बाजार दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इधर से लेके आया हूँ, अंदर से, ये अंदर की तरफ से मैं आपको लेके आया हूँ, लेकिन वीडियो मैंने पूरा लेके नहीं आया हूँ, काट के लेके आया हूँ। ये देखिए इधर से मैं आया हूँ, इधर से, और ये मेन गेट है, और ये मेन गेट से दरगाह बाजार। चलिए थोड़ा सा दरगाह बाजार में उतर के आपको दिखाते हैं जो दरगाह बाजार के क्या मंजर है।
की। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पर उर्स के दस मतलब उर्स के नहीं माफ कीजिएगा मुहर्रम की 10 दिन यहाँ पर पुलिस तैनात रहता है, पुलिस का भी सहयोग रहता है। तो ये देखिए मेन गेट के सामने का मंजर, और यहाँ पे पुलिस अभी से तैनात हो चुका है। ये अभी आप मंजर देख सकते हो दरगाह शरीफ के आसपास की, ये मेन गेट है जो अभी मैं आपको अंदर से बाहर लेके आया हूँ। और अभी ये दरगाह बाजार की मंजर देखिए माशा, ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा गाय है, ये किसी को मार नहीं रहा। ये भी खाजा साहब की हाजिरी के लिए आया है, देखिए ये भी खाजा साहब को दरबार जियारत के लिए आया है। देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा गाय है और कितना शांति से यहाँ खड़ा है, देख लीजिए। और ये दरगाह बाजार की मंजर, ये देखिए अभी दरगाह बाजार की तैयारी, ये जो बीच में जो जंजर लगता है, जंजीर भी लग चुका है, जो लोहे के पिलर गाड़ते हैं भैया, लोहे के पिलर गाड़ने के बाद जो बीच में जंजीर लगता है, देखिए जंजीर भी लग गया है, यानी तैयारी हो चुका है देख सकते हो। पर कल सुबह भी आपको दिखाएंगे जो और तैयारी कहाँ तक हो चुका है। तो आज मैं और ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, ये देखिए दरगाह बाजार के दूर दूर तक देख लीजिए, ये देख लीजिए ये है मंजर दरगाह बाजार की, और लोहे के पिलर जो गाड़ता है गाड़ के जंजीर बांध के ये तैयारी कर चुका है। और ये मेन गेट के सामने वालेकुम अस्सलाम, और भाई कहाँ से? अलहमदुल्ला कहाँ से आप? गुजरात से। देखता हूँ हमारी वीडियो आप, क्या नाम आपकी? सईद मनाने। माशाल्लाह देखिए ये भाई भी मेरा सब्सक्राइबर है, अभी मेरा रास्ता में मिला है। ओके भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो ये मेन गेट के सामने का मंजर है और ये मेन गेट है। तो चलिए इसी वीडियो में हम यहीं तक, ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग हमें इजाज़त दे दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, और मुहर्रम आप लोग शांति और सुकून से मनाइए, और दूसरों के भी मनाने का भी मौका दीजिए। किसी तरह के आप कहीं पे किसी तरह के आप मतलब क्या बोलते हैं आप मतलब माहौल ना बिगड़े, आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, शांति और सुकून से मुहर्रम मनाइएगा, गम की महीना है। तो इसी तो हम ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।